हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 24th of June से 30th June 2024 तक। और मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस, आपके राइजिंग साइन, आपके लगन के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि, मून साइन और आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने लगन राशि यानी कि अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट एरिस असेंडेंस यानी मेष लगन। 24 जून से 30 जून तक का जो टाइम है, देखिए मंडे ट्यूजडे आपके लिए बड़े ही पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले हैं। आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाली है। हेल्थ बड़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव एनर्जी है। और इस समय आपका जो अप्रोच रहेगा आपके काम के प्रति, वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। विल पावर, कॉन्फिडेंस आपका स्काई हाई रहेगा। मंडे ट्यूसडे अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से होंगे और आपको फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। ए टाइम इफ़ यू विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, यू मे स्टार्ट बिकॉज यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मंडे ट्यूसडे इस सप्ताह में आपके लिए बड़े ही रिवार्डिंग है, जब किस्मत का भरपूर सहारा आपको मिलेगा और परिवार की, दोस्तों की, वेलविशर की, आपके पार्टनर्स की बिजनेस में आपको फुली सपोर्ट मिलेगी। इन्वेस्टर हैं तो आपको नए नए इन्वेस्टमेंट्स, आपका नई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। यू विल अर्न सम एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऑन मंडे ट्यूसडे। वेनसडे थर्सडे थोड़ी सी हेल्थ को लेकर नेगेटिव रहेंगे। इस टाइम थोड़ा आपका बीपी शूट कर सकता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, बिहेवियर में तेजी बहुत ज़्यादा रहेगी, हर एक चीज़ में खलबली मचाएंगे, हर एक चीज़ में थोड़ी सी अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल, कुछ हैसल्स लेकर आएगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी और इस टाइम में आपको बार बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे लेकिन उस तरह के नहीं मिलेंगे जो मंडे ट्यूसडे को आपको मिल रहे थे। सो वेनसडे थर्सडे कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें और अपने हार्डवर्क से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। हार्डवर्क करें ज़रूर, अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहें, पॉजिटिविटी को साथ में रखें, हार्डवर्क करते रहें, लेकिन वेनसडे थर्सडे आपके थोड़े से क्रूशियल प्रोफेशन फ्रंट पे रहेंगे। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स वेनसडे थर्सडे को आपने नहीं करनी, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। नेगेटिव लोगों के साथ संगति बिल्कुल नहीं करनी, जो आपको पॉजिटिव करें, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करें। देखें दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड प्ले अ बिग रोल। एक हमारा दिमाग है, जब हम सोते हैं हमारा दिमाग भी साथ में सोता है, शांत होता है और रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो इधर पीछे है हमारा, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें अपनी स्टोर कर लोगे डे टाइम में, तो रात को आप सही से सो नहीं पाओगे। और अगर आप पॉजिटिविटी को भर लोगे, चाहे सिचुएशन नेगेटिव हो लेकिन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं वो आपके थॉट्स को, आपके कर्मा को, आपके पब्लिक डीलिंग को ये देखती हैं कि आपकी नीयत कितनी सच्ची साफ है। तो वेनसडे थर्सडे अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को स्टोर करें, अपने माइंड में पॉजिटिविटी को स्टोर करें, नेगेटिव लोगों से उठे बैठे ना। पैसे का लेन देन वेनसडे थर्सडे को बहुत सोच समझ के करना है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन, क्रूशियल सिचुएशन यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी आपको। सीनियर्स के साथ भी मन मुटाव रह सकता है क्योंकि मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस आपका नहीं निकल रहा, लेकिन उसके बावजूद आपको खामोश रहना है और स्थिति के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है, तो चीज़ें आपकी अच्छी प्लान करेंगी। अदरवाइज टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल और कुछ हैसल्स लेकर आएगा। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे की। अनमैरिड लोगों की यहाँ पे शादी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फ्राइडे सैटरडे बहुत अच्छा है, स्टडी पे फोकस करेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो फ्राइडे सैटरडे बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्डस्मिथ हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड का काम करते हैं या आप वुडन वर्क का काम करते हैं, तो डेफिनेटली कोई बड़ा ऑर्डर फ्राइडे सैटरडे को आपको मिलेगा। आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स अगेन ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। This will be a game changer time in the terms of your job, in the terms of your professional life. Market से अच्छा खासा business निकालेंगे। Seniors आपको वाह वाह दोबारा से करेंगे और ए टाइम आप दोबारा से अपने झंडे लहराएंगे और आप तरक्की की तरफ जाएंगे।
हेल्थ पॉजिटिविटी रहेगी, फैमिली सपोर्ट अच्छी मिलेगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग फ्राइडे सैटरडे को रहेगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी गजब की फ्राइडे सैटरडे को रहेगी, और जो इशू वेनसडे थर्सडे को थोड़े से राइज हुए थे आप उनको बड़ा ईजिली ओवरकम कर जाएंगे फ्राइडे सैटरडे को। अपनी पॉजिटिविटी को बनाना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आपने नेगेटिव लोगों से इस सप्ताह मेल जोल ज़्यादा नहीं रखने। चाहे जितनी मर्जी परिस्थिति आपकी ख़राब हो, जितनी मर्जी महादशा राहु केतु की चल रही हो, या कुछ भी प्लैनेट्स की महादशा हो जो आपके बर्थ चार्ट में नीच के हों, बट यू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिविटी प्ले अ बिग रोल। सो रेमेडीज़ क्या हैं एरिस आपके लिए इस वीक में? रेमेडी नंबर वन, हर रोज सुबह 3 बार 5 बार या 7 बार दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है। शेरावाली माता के आगे, भगवती माता के आगे देसी घी की जोत जगानी है हर रोज सुबह। और रेमेडी नंबर टू आपके लिए, हर रोज रात को सोने से पहले आपने बजरंग बाण का 3 बार 5 बार या 7 बार पाठ करके सोना है। कोपर का एक छल्ला राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, या कोरल गोल्ड में मड़ा के डाल लें, या कोरल का पेंडेंट बना के अपने गले में डाल लें। आपकी इज्जत, आपका शोहरत, आपका पैसा, आपका रुतबा, फैमिली सपोर्ट, ये सब आपके फेवर में होगा, क्योंकि मंगल का गोचर इस सप्ताह में आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो भाग्य का सहारा मिलेगा। लेकिन आपको अपने अग्रेशन पे, स्टबर्न नेचर पे, इंपल्सिव बिहेवियर पे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस सप्ताह में, और उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप तब उठाएंगे जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करेंगे। एडवाइजेज बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इस समय को आप कैश करें, दिस टाइम नेवर कम बैक। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस यानी कि वृष लगन की। 24 जून से 30 जून का टाइम, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए क्रूशियल रहेंगे। यहाँ पे आपके रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे डेवलप नहीं होंगे, खर्चा स्काई हाई रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एग्जाइटी आपको रहेगी। फैमिली के साथ आपकी तूतू मैमें हो सकती है, आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे ना होंगे, आपके किड्स के साथ तूतू मैमें हो सकती है, कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन आ सकती है, या आपके बच्चों की वजह से काफ़ी धन व्यय हो सकता है, या आपके बच्चे कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं अगर वो बड़े हैं या यंग है। अगर आपकी शादी की उम्र है तो मंडे ट्यूसडे को कोई आपको रिश्ता ज़रूर आ सकता है, ये एक छोटी सी पॉजिटिविटी ज़रूर है। लेकिन मंडे ट्यूसडे कुछ स्ट्रगल आपके जॉब प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, पार्टनर्स के साथ थोड़ी तूतू मैमें, अनबैलेंसिंग सिचुएशन, ये आपको देखने को मिलेगी। वेनसडे थर्सडे रिसोर्सेज डेवलप होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, खर्चे का लेवल साथ में बना हुआ है लेकिन इनकम में इजाफा है। दोस्तों की, वेलविशर्स की, भाइयों की या बहनों की, सिबलिंग्स की आपको बहुत अच्छी सपोर्ट इस समय में मिलेगी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे बहुत अच्छा है। जॉब को नई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेनसडे थर्सडे बहुत अच्छा है। दिस विल बी वन ऑफ द रिवार्डिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, स्पेशली वेनसडे थर्सडे। खास करके जॉब स्विच ऑफ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ पर काम होंगे, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशन। देखिए फ्राइडे सैटरडे का जो टाइम होगा वो आपके लिए फिर से यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव रहेगा, लक का सहारा मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको टू इन्वेस्टिंग योर मनी अपने किसी दोस्त से, अपने किसी सिबलिंग से या अपने किसी वेलविशर से मिल सकती है। उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप ज़रूर जाएं जो नियर फ्यूचर में आपके लिए बड़ी लाहेमंद है। ये टाइम आपके लिए हर तरह से पॉजिटिविटी लेकर आएगा। फ्राइडे सैटरडे आपको मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा। आप इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, आप बैंकर हैं, या आप अकाउंट्स ओपन करते हैं, या आप किसी किस्म का फाइनेंस से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो फ्राइडे सैटरडे को आपको अच्छा खासा मुनाफा या कुछ गुड गेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट है, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है और गेन्स लेकर आ रहा है। इस समय को आपने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलना है तो चीज़ें काम करेंगी। रेमेडी नंबर वन टॉरस आपके लिए, हर रोज सुबह आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार मिनिमम, 3 बार करें 5 बार करें या 7 बार करें। रेमेडी नंबर टू, 8 किलो देसी घी गुरुद्वारा साहब में आपने फ्राइडे वाले दिन डोनेट करना है। रेमेडी नंबर थ्री,
अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देनी है, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। रेमेडी नंबर 4 आपके लिए, अगर इस सप्ताह में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आपके दोस्तों से, वेल विशर से, सिबलिंग से मिले, उन अपॉर्चुनिटीज की ओर जरूर जाएं, सोच समझ के जाएं, लेकिन जाएं जरूर, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। इस सप्ताह में आपको अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में मिलेंगे। अगर आप अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हैं तो आपकी तरक्की को सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस यानी कि मिथुन लग्न की। 24 जून से 30 जून का ये टाइम है। देखिए मंडे ट्यूजडे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स है। कोई लोन आपका क्लिक हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगा, फोकस रहेंगे अपने काम की ओर, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम बनते जाएंगे, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, फैमिली की, दोस्तों की, वेलविशर की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस पार्टनर नए ज्वाइन होंगे, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं इस सप्ताह में, खास करके मंडे ट्यूजडे को फॉरेन आना जाना, या फॉरेन से आपके घर में कोई गेस्ट आने, या फॉरेन में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी। Things will be performed beyond your expectations and this will be a highly rewarding time in the terms of making money or investing your money. If you already invest your money in stock market, you will make a lot of gains. You will make a lot of money. And this is a time when your mud will turn in gold and you will enjoy comforts and resources. You will definitely buy a new car or property, or you may renovate your home. This will be a wonderful time. Wednesday, Thursday, again, good luck is in your favor and your pending work will click and long distance journey will make you happy. Or you may earn money through long distance journey, or you may plan some long distance journey. In job, your seniors are satisfied from your performance. You are performing very well and you will get big business from market. This will be ultimate time. If you're willing to switch off your job, then Wednesday, Thursday is very promising. Unemployed guys will get job on Wednesday, Thursday. And this is a very fruitful time in the terms of making money, or your old investments related to stock market or property will give you wonderful results. You may start some new business with one of your near and dear friend, and that business venture will give you wonderful results in near future. Overall, first 4 days of this week is highly promising and benefited for you in the terms of your business, investments, opportunities, long distance journeys and long distance benefits, or something is there which will make you happy related to foreign connections, or you may get some advice from your foreign friends. Things will be performed beyond your expectations, Gemini. So let's talk about Friday, Saturday. Gemini, these 2 days, you need to be careful about your health. Some acidity problem will irritate you. Mental instability are there. Expenses will be sky high, but you are easily able to handle these expenses. But savings will be unbalancing on Friday, Saturday, and your relationship with your kids will be matter of concern. आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तों को आगे लेके चलना है फ्राइडे सैटरडे को। चीज़ें उस तरह से काम आपके रिलेशनशिप में, वो चाहे आपके बच्चों के साथ है, चाहे आपका कोई अफेयर है, उसमें नहीं करेंगी। तो फ्राइडे सैटरडे आर्गूमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, नई इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, पेशेंस से चलना है, पोलाइट होकर चलना है, हम्बल होकर चलना है। तो चीज़ें आपके लिए कुछ कार्य, कुछ काम करेंगी, अदरवाइज समय आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा जेमिनी। फ्राइडे सैटरडे को कोई बड़ा डिसीजन ना लें, किसी को पैसा उधारी ना दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहली रेमेडी इस सप्ताह की, हर रोज़ सुबह 3 बार, 5 बार या 7 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करें, मंत्र साधना करें, ओम गण गणपताये नमः, 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 इस मंत्र का उच्चारण करें, जो आपके भाग्य में तेजी लाएगा, संकटों से छुटकारा मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। रेमेडी नंबर 2, ये आपकी जेम थेरेपी है। आपने व्हाइट टोपाज और एमरल्ड गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डाल लेना है, जिससे आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फ्रूट आएगा। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, बिजनेस में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, कोई गलत डिसीजन आप नहीं लेंगे, किस्मत का सहारा आपको इस समय में मिलेगा अगर आप एमरल्ड और वाइट टोपाज डालते हैं। कैरेट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, और बर्थ चार्ट में मरकरी, वीनस और जुपिटर की क्या डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपने ये पेंडेंट बनवाना है, और गोल्ड में होना चाहिए। और रेमेडी नंबर 3 आपके लिए, हर रोज रात को काली चालीसा पढ़ के सोएं, 3 बार, 5 बार या 7 बार मिनिमम। द मोर यू चैंट गॉडेस काली चालीसा, द मोर यू गेट पॉजिटिव
activity related to your health and investments. So, बात करते हैं कैंसर असेंडर्स की। 24 जून से 30 जून की ये प्रेडिक्शन है। कैंसर पहले दो दिन आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर है। इसमें आपके दोस्त भाई बंधु आपको कोई जबरदस्त एडवाइस देंगे या किसी के साथ आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू विल एंजॉय नेम फेम प्रोस्पेरिटी। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। यू दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू। ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा जब आपको आय के साधनों में आपकी वृद्धि होगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। चैलेंज छोटे मोटे हैं क्योंकि शनि अभी अष्टम चल रहे हैं, लेकिन ये आखिरी एक ट्रांजिट शनि का अष्टम रह गया है। आखिरी कुछ महीने अब समझ लें 8-10 महीने आपके अष्टम भाव में रह गए हैं। 29 मार्च 2025 को शनि आपके 8th हाउस को छोड़ेंगे। आपके लग्न और आपके मून साइन से जो अष्टम ढैया चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और सैटर्न एंटर इन योर 9th हाउस। सो ओवरऑल जो टाइम है डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आला है कैंसर। मंडे ट्यूसडे को खास करके आपकी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगी। ये टाइम भाइयों से सिबलिंग से दोस्तों को कोई अच्छी एडवाइस मिलेगी। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। फॉरन लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग आप प्लान करेंगे और फॉरन रिलेटेड बेनिफिट होंगे। ये भी हो सकता है भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ फॉरन ट्रेवल्स पर जाएँ, मौज मस्ती हॉलीडेज के लिए जाएँ। थिंग्स विल बी वंडरफुल। देखिए वेनेसडे थर्सडे आपके लिए रिसोर्सेज बड़े जबरदस्त हैं। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट से बड़ा मुनाफा आपको वेनेसडे थर्सडे इस वीक में होगा। स्पेकुलेशन करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी करते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वेनेसडे थर्सडे इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम। You will get big business in market if you are in job and your seniors are satisfied with your performance. This will be highly productive and positive time for you. Even this whole week brings a lot of positivity for you. If you are willing to start anything new, you may start for first 4 days of this week. फ्राइडे सैटरडे आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। आपकी खुद की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी। पेट के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड होगा। लेग्स में पेन आएगी, नीज में पेन आएगी। डायबिटीज़ अगर आपको है तो बहुत केयरफुल आपने होके चलना है कैंसर। फ्राइडे सैटरडे शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, थायराइड लेवल आपका बढ़ सकता है, फैटी लीवर आपको परेशान करेगा, हेल्थ रिलेटेड स्मॉल स्मॉल इश्यूज अराइज होंगे। लेकिन अगर आप ऑयली फूड जंक फूड को इस वीक में अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह पहले 4 दिन अपॉर्चुनिटीज, पैसा, इज्जत, नेम, फेम बहुत अच्छी लेकर आ रहा है। और ये टाइम नई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे को चीज़ें थोड़ा सा स्लो डाउन चलेंगी, लेकिन ओवरऑल ये सारा वीक आपके लिए एक गोल्डन वीक रहेगा। सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर फ्राइडे सैटरडे केयरफुल होएं। स्पाउस के साथ तू तू मैं बिल्कुल ना करें। कभी कभी सिचुएशन के साथ हमें चलना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें सब कुछ प्लान करना पड़ता है। तो ये टाइम आपका आने वाला बहुत रिवार्डिंग है। इफ़ यू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग यूअर सिस्टम और यूअर बर्थ चार्ट, अगर महादशा जुपिटर की है, मून की है, मार्स की है, तो चीज़ें बेहतर हैं, बहुत ही बेहतर हैं। अगर महादशा राहु केतु की है या शनि की है या मरकरी की है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बट फिर भी आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें कि महादशा कौन सी चल रही है आपके ऊपर। बट ये वीक आपके लिए अगर तो जुपिटर मून मार्स या सन की दशाएं चल रही हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज और गेंस लेकर आ रहा है। और अगर मैलेफिक प्लैनेट की दशाएं चल रही हैं तो गेंस का लेवल 25-30% है, तो स्ट्रगल काफ़ी है। बट ओवरऑल इस वीक में जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर रोज़ सुबह रेमेडी नंबर 1, 108 नाम भगवान शिव के आपने उच्चारण करने मिनिमम 3 टाइम और मैक्सिमम 7 टाइम। रेमेडी नंबर 2, कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। रेमेडी नंबर 3, सैटरडे वाले दिन 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची ज़मीन में दबाएं, लिफाफे से निकालकर अपनी मुट्ठी में भरकर कच्ची ज़मीन में दबाएं, 800 ग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए। रेमेडी नंबर 4 आपके लिए, थर्सडे वाले दिन देग बनाकर गुरुद्वारा साहब में जाकर देकर आएं। अब बात करते हैं लियो सैनस की, यानी कि सिंह लगन की। 24 जून से 30 जून की ये प्रेडिक्शन है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा, डिलेज हो रहा है काम में, किसी नियर डियर के साथ लफड़ा होगा, किसी नियर डियर के साथ अनबैलेंसिंग सिचुएशन होगी, मन मुताबिक रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपकी रहेगी, हार्ड टाइम रहेगा, टफ टाइम रहेगा। ये टाइम नई इन्वेस्टमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। लेन देन का बहुत अलर्ट होकर चलना है।
पेट में स्वेलिंग हो सकती है, खाने पीने की चीज़ों में आप जो भी खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ऑयली फूड जंक फूड को अवॉइड करें, खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, भूखे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी नहीं पूरे भूखे, जितनी भूख लगी उससे ज़्यादा खाएं, कम खाएं, लेकिन मंडे ट्यूसडे बिजनेस और हेल्थ को लेकर डाइसी है, ये दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। कोई लीगल मैटर्स आपके ऊपर चल सकते हैं, आप किसी के ऊपर लीगल मैटर कर सकते हैं जो आपका काफ़ी धनव्यय भी होगा और आपका टाइम भी खराब होगा। लियो मंडे ट्यूसडे को आपने बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है और इस समय में बहुत ज़्यादा आपने क्लैरिटी से करना है, चलना है, चीज़ों को क्लियर करें, किसी के साथ भी फॉल्स कमिटमेंट मंडे ट्यूसडे को ना करें। मैरिड है तो स्पाउस की हेल्थ का और अपना स्पाउस का रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें। वेनसडे थर्सडे स्मॉल स्मॉल गेंस आपको होंगे, स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन अभी मुझे बनती हुई नहीं दिखती, थोड़ा सा हार्ड टाइम रहेगा, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी और चीज़ें आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ये टाइम आपके लिए कुछ डाइसी सिचुएशन लेकर आएगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेनसडे थर्सडे को चरण सीमा पर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील, अगर आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टी है या आप सेल परचेज करते हैं, डीलर हैं, या आप पर्सनली कोई प्रॉपर्टी एसेट अपना सेल करना चाहते हैं, तो वेनसडे थर्सडे आपके लिए अच्छा मुनाफा रिलेटेड टू रियल इस्टेट लेकर आ रहा है। खर्चा बहुत सोच समझ के करें पहले चार दिन। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए गेम चेंजर है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स दे रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, स्टडी में फोकस कर रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे, सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, ये टाइम आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, फादर की तरफ से फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। योर फ्रेंड्स और योर वेल विशर विल गिव यू सम टाइप ऑफ पॉजिटिव और वंडरफुल एडवाइस, इफ यू अप्लाई दैट एडवाइस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ that things will be performed beyond your expectation, you will make a lot of money from your old investment and things will be performing very well, your savings will rise, you may buy some precious metal or something is there which will make you happy on Friday, Saturday. Overall, you need to perform some small remedies. Remedy number one, read Aditya Hridaya Srotra every day morning, 3 times, 5 times or 7 times. Must touch feet of your father before start your day. And must touch feet of your father before you go to bed. Remedy number 2, Leo for you. 800 gram gud, 800 gram kanak mix karke chalte pani mein Sunday wale din jal pravah kare. Remedy number 3, Vishnu Bhagwan ke aage desi ghee ka diya jagaye. Remedy number 4, Thursday wale din meethe peele chawal banakar Vishnu Bhagwan ko bhog lagakar gareeb logon mein baante. अब बात करते हैं वर्गो असेंडस की। वर्गो असेंडस 24 जून से 30 जून का जो टाइम है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए थोड़े से क्रूशियल है, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ ताल्लुकात मैटर ऑफ कंसर्न है, अर्निंग्स को लेकर उस तरह की अर्निंग्स नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट से जो आप चाहते हैं, हार्ड वर्क एफर्ट आपको बहुत करना पड़ रहा है, चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, खर्चा मंडे ट्यूसडे को स्काई हाई है, विदेश से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। वेनसडे थर्सडे फॉरेन जाना चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वेनसडे थर्सडे थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेन लैंड, इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस इन फॉरेन लैंड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वेनसडे थर्सडे को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या विदेश की किसी महिला मित्र से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अर्निंग्स पहले चार दिन आपको उस तरह से नहीं मिलेंगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये टाइम थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट झूठ बिल्कुल ना बोलें। वेनसडे थर्सडे सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तू मैं हो सकती है, वो टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको संभल कर चलना है, नई इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी, चोरी ठगी से दूर रहना है, फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी, सीनियर्स को गाली गलोच नहीं करनी, बदतमीजी से पेश नहीं आना, अदरवाइज चीज़ें वेनसडे थर्सडे को इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गुड।
फ्राइडे सैटरडे को इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा, रियल इस्टेट में करना चाहते हैं टाइम अच्छा है, कोई अच्छी डील आपको मिल जाएगी, ये टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। इफ यू अप्लाई एनी टाइप ऑफ लोन, योर लोन विल बी क्लिक ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड सम एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग विल मेक यू हैप्पी। बट ओवरऑल दिस होल वीक, फर्स्ट फोर वीक स्पेशली, फर्स्ट फोर डेज ऑफ दिस वीक यू नीड टू बी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग योर मनी। फ्राइडे सैटरडे you will feel relaxed and better in the terms of your earnings and savings. If your spouse support are there, your friends and well-wishers will give you wonderful advice or they will support you. But you need to be positive in this week overall. Some foreigner friends, especially any type of female friend, will give you fantastic results or fantastic advice, or she may become partner in your business. So remedy number one, Kanya Lagan aapke liye, हर रोज सुबह आपने गणेश भगवान को अपने मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना है। रेमेडी नंबर टू, एक एमरल्ड और वाइट टोपाज गले में डाल लें। रेमेडी नंबर थ्री वर्गो आपके लिए, हर रोज रात को काली माता की उपासना करें। रेमेडी नंबर फोर, ये आपने बहुत सोच समझ के काम करना है, सात मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष अपने गले में डालें, मौली में डालना रेड कलर की, काले धागे में बिल्कुल नहीं डालना। अब बात करते हैं लिब्रा सनराइज की। 24 जून से 30 जून का जो टाइम है, देखें मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, इस समय आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं आपके पैसे को लेकर। हार्ड टाइम रहेगा, स्ट्रगल, एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं जॉब में, परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, डिसहार्टेड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, इसी दुविधा में मंडे ट्यूसडे आपका निकलेगा। और ये टाइम आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, या स्पाउस का कोई ऑपरेशन हो सकता है, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। लव लाइफ है, सिंगल है, अफेयर है, तो भी ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, आपके आपके लवर के साथ रिश्ते खराब होंगे। टाइम इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू लिब्रा, यू नीड टू बी केयरफुल वाई स्पेंडिंग यूर मनी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल इरीटेट यू, वेस्टेज ऑफ मनी आर देयर ऑन मंडे ट्यूजडे। वेंसडे थर्सडे आपके लिए किस्मत का सहारा मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, विदेश से कोई गुड न्यूज मिलेगी, या फॉरन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो सम फॉरन ट्रांजेक्शन विल मेक यू हैप्पी, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज, एंड दिस इज अ वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, स्पेशली योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन स्टॉक मार्केट। बट वेनसडे थर्सडे भी अंडर परफॉर्म ही हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स बड़े छोटे हैं, या जो आप चाह रहे हैं अपने मुकद्दर से उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, ये टाइम काफ़ी क्रूशियल रहेगा, ये टाइम काफ़ी टफ और हार्ड रहेगा, इस समय में उस तरह की सिचुएशंस नहीं रहेंगी जैसी आप चाहते हैं, तो थोड़ा केयरफुल हों, खर्चे की तरफ ध्यान दें। फ्राइडे सैटरडे आप बड़े डिस्टर्ब रहेंगे, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, खर्चा स्काई हाई है, और फॉरेन में आप अपने बच्चों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, फॉरेन किसी कंपनी ओपनिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उसमें रिजल्ट्स आपको उस तरह से नहीं मिल रहे जैसे आप चाहते हैं, तो ये सारा टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ और हार्ड रहेगा, बहुत फोकस्ड होकर आपको चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत बैलेंस बना के चलने वाला है, अर्निंग, सेविंग्स, एक्सपेंसेस, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ, आपके खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फ्राइडे सैटरडे को डायबिटीज और बीपी आपको परेशान करेंगे, स्पाउस के साथ फ्राइडे सैटरडे को तू तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सो ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स। रेमेडी नंबर वन लिब्रा इस वीक में, मेडिकल हेल्प थर्सडे वाले दिन किसी को दें, जरूर दें किसी नीडी पर्सन को। रेमेडी नंबर टू, क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर, शमशान घाट में जाकर दान पात्र में दान डालकर आएं और वहां पे हाथ जोड़ें भगवान शिव की मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे, और वहां से वापस आ जाएं। ये दो इजी रेमेडीज अगर आप इस वीक में करेंगे तो डेफिनेटली आपके कुछ जो हर्डल्स हैं, चैलेंज हैं, वो कम होंगे, आपकी हेल्थ में कुछ अगर एरर दिख रहा है तो वो ठीक होगा, लेकिन ओवरऑल कोशिश करें इस सप्ताह में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प देने की, वो ज़रूर दें, आपके लिए वो मस्ट है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा इस वीक में बिल्कुल नहीं करना, बिजनेस पार्टनर के साथ एरोगेंस नेचर, स्टबर्न नेचर में बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे आपके लिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैनस की। 24 जून से 30 जून का ये पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके डेट्स क्लियर होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी,
सेविंग्स बढ़ेंगी, नई पार्टनरशिप आपके साथ किसी कोई करेगा, और वो हो सकता है विदेश में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो या किसी विदेशी पर्सन के साथ या मेल फीमेल के साथ, समथिंग लाइक दैट विच विल मेक यू हैप्पी। इज सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट विल मेक यू हैप्पी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है तो आपको मंडे ट्यूजडे को गेन होंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो गेन होंगे, व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा है, प्रॉपर्टी एजेंट हैं, डीलर हैं, रियल इस्टेट ब्रोकर हैं तो आपको अच्छी खासी कमीशन मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। वेनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग रहेंगे, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, नो से रिलेटेड ट्रबल, हेड से रिलेटेड ट्रबल या नीज से रिलेटेड ट्रबल यहाँ पर आपको इरिटेट करेगी। ईटिंग हैबिट्स की ओर कंट्रोल करें, ऑयली फूड जंक फूड बिल्कुल ना खाएं और पॉजिटिव होकर चलें, जिम योगा जरूर करें। वेनेसडे थर्सडे को गेन स्मॉल स्मॉल रहेंगे लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं रहेंगे, मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। मंडे ट्यूसडे तो अल्टीमेट है लेकिन वेनेसडे थर्सडे स्पीड थोड़ी सी पैसे की कम है, पैसे की आवक कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, घर में आप रेनोवेशन करवा सकते हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऑफिस में घर में जिसमें पैसा खर्च हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी वेनेसडे थर्सडे को होगा जिसपे पैसा खर्च होगा। अनमैरिड है तो शायद आपका रिश्ता पक्का वेनेसडे थर्सडे को हो जाए, कंपेनियन आपको मिल जाए, थिंग्स विल बी गुड एंड पॉजिटिव फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, लेकिन खर्चे की ओर थोड़ा सा लगाव आपने ज़रूर लगाना है। फ्राइडे सैटरडे को अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं या आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, योगा टीचर हैं, अध्यात्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, प्रमोशन इंक्रीमेंट जॉब में आपका होगा। और ये टाइम अगर आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस में बड़े सेटिस्फाई होंगे या कुछ ऐसा काम आप करके दिखाएंगे जिसे काफ़ी वाह वाही आप बटोरेंगे और आपकी जॉब में सैलरी बढ़ सकती है। लग्जरी पे पैसा खर्च वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये आप करने वाले हैं स्कॉर्पियो, और यू गेट रेडी, ये होना ही होना है और ये करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और स्पाउस के साथ आपके रिश्ते फ्राइडे सैटरडे को बड़े अल्टीमेट हैं, स्पाउस आपको फुली सपोर्ट कर रहा है और ये टाइम आपको कोई नया अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है, ये टाइम आपके रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप हो सकते हैं जो नियर फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिसोर्सेज के मामले में फ्राइडे सैटरडे अल्टीमेट है, मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे सैटरडे ये चार दिन सप्ताह में आपको इच्छा के मुताबिक आपके रिसोर्सेज बनते जाएंगे, अर्निंग्स आपकी होती जाएंगी और ये टाइम सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, things will be performed beyond your expectations and you will enjoy comfort and resources. This whole time brings a lot of positivity for you in the terms of making money. Remedy number one, Scorpio, आपने हर रोज सुबह भगवान शिव की उपासना करनी है, शिव चालीसा पढ़नी है 3 बार 5 बार या 7 बार, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल एक चुटकी डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें, हर रोज शाम को शिवलिंग के आगे आटे का बना हुआ देसी घी का दिया जगाएं। और इस सारे सप्ताह में आपने किसी को झूठ नहीं बोलना, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर के साथ संबंध खराब नहीं करने, कुछ भी करने जाएं मदर के चरण स्पर्श करके जाएं तो आपके काम बनेंगे। एक वाइट कलर के हैंकी लें नया, उसमें एक मुट्ठी चावल रखें और उसमें एक सिल्वर क्वाइन जिसमें लॉर्ड गणेश जी और गॉडेस लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो और साथ में अपने मदर से 51 या 101 रुपये लेकर या $51 और $101 लेकर अगर आप US में हैं वो लेकर रखें, और वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो आपने अपने तिजोरी में, अपने बैग में या अपने दराज में, ऐसी जगह अपनी अलमीरा में रखना है जहाँ रोज़ सुबह आप उसके दर्शन करके जाएं, आपकी इनकम में इजाफा होगा, मेंटल पीस आपको मिलेगा। ये वीक अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लेकर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस रास्ते पे जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ की स्कॉर्पियंस कोई कमी नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोफेशन में तो ज़बरदस्त हैं और ये टाइम स्टेटस में राइज है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस सप्ताह में आपकी होंगी, दोस्तों से आपको भी सपोर्ट मिलेगी, नए दोस्त आपके पार्टनर बनेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की, 24 जून से 30 जून की ये प्रेडिक्शन है। मंडे ट्यूसडे आपको गेन होगा, जॉब में प्रोफेशन जॉब में आपकी प्रमोशन होगी, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस यानी आप प्लान करेंगे, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस के साथ या आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे और ये समय सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। लोन चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे को मिल जाएगा, कोई इन्वेस्टर चाहते हैं बिजनेस के लिए तो वो आपको मिलेगा। देखिए वेनेसडे थर्सडे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं इन द टर्म्स ऑफ स्टार्ट योर न्यू बिजनेस,
कोई नया इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम आपको मेंटल रिलीफ देगा और ये टाइम आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग देगा। भाई बहनों या दोस्तों से आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फादर के साथ टाई अप आपके ज़्यादा अच्छे ना होंगे। अनबैलेंसिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर फादर और योर हेल्थ ऑफ योर फादर विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, बट ओवरऑल गेन्स आपके पहले चार दिन अच्छे हैं। कोई नया इन्वेस्टर, कोई नया पार्टनर या कोई नया अफेयर आपका बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में स्टार्ट होने वाला है और सीनियर्स पहले चार दिन आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ही आपकी तारीफ करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप फूले नहीं समाएंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग या कोई कमीशन ब्रोकरेज भी आप बना लें इस वीक में। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे की। सैटरडे इस समय में आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके खुद की हेल्थ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी, इच्छा के मुताबिक काम नहीं होंगे, टफ टाइम रहेगा, किसी नियर डियर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होगा, किसी आपके दोस्त भाई बंधु के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होगा, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिजल्ट फ्राइडे सैटरडे को नहीं मिलेंगे। ये टाइम आपका कोई क्लोज वन आपको चीट कर सकता है, प्रॉमिस कुछ और करेगा, डिलीवर कुछ और करेगा, जिससे आप डिसहार्टेड रहेंगे। आप कोई भी डॉक्यूमेंट फ्राइडे सैटरडे को साइन ना करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। ये टाइम बहुत अलर्ट होकर चलें। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, अपने फादर की एडवाइस लें, सोचें समझें फिर साइन करें। वैसे तो फ्राइडे सैटरडे को अवॉइड करेंगे एनी टाइप ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं पहले चार दिन इस वीक के अच्छे हैं। प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं पहले चार दिन अच्छे हैं, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को ना आपने जॉब चेंज करनी है ना प्रॉपर्टी बाय करनी है। डॉक्टर्स के लिए टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग है फ्राइडे सैटरडे, लॉयर्स के लिए टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। आपके करेक्टर के साथ, आपकी रेपुटेशन के साथ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेंगे। रेमेडी नंबर वन सैटेरियस, विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं हर रोज शाम को मंडे से संडे तक। रेमेडी नंबर टू, थर्सडे वाले दिन मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटे। रेमेडी नंबर थ्री, सैटरडे वाले दिन नीडी पीपल, किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प करें, ये मस्ट है आपके लिए सैटेरियस, जरूर करें। या किसी हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में चैरिटी करके आए सैटरडे वाले दिन। पिता के चरण स्पर्श करें, पिता की रिस्पेक्ट करें। एक ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट साइज स्नैप अपने फादर के अपनी पॉकेट में रख लें। द मोर यू टच फीट ऑफ योर फादर, द मोर यू ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ एंड गुड फॉर्चून, और आपके काम रुके हुए सारे क्लिक होंगे। योर फादर प्ले अ बिग रोल और योर ग्रैंड फादर प्ले अ बिग रोल फॉर योर फॉर्चून, कनेक्टेड टू योर फॉर्चून। सो किस्मत आपकी, इवन आपकी नहीं, हम सबकी अपने माता पिता के साथ जुड़ी हुई है। जितनी आप कदर करेंगे बिना लालच के, बिना ग्रीडीनेस के, उतनी ज़्यादा किस्मत आपकी शाइन करेंगी। माने तो भगवान है, ना माने तो नहीं है, माने तो गंगा मैया है, ना माने तो चलता पानी है। उसी तरीके से आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो ट्रस्ट हैं, आपके रिलेशंस पे, आपके भगवान पे, आपके अल्लाह पे, वो सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। बार बार दिल में 10 बार अल्लाह ताला का नाम लेने से किस्मत नहीं चमकती, कर्म करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, ईमानदारी से चलना पड़ता है, तो अल्लाह भी खुश होंगे और आपके ऊपर किस्मत आपकी चमकाएंगे। अब हम घर में बैठे बोले यार मैंने 100 बार अल्लाह का नाम ले लिया, अब मेरी किस्मत चमकने वाली है, ऐसा अल्लाह बोलेंगे भाई टांगें दिए, हाथ दिए, काम कर। घर में बैठ के जाप तो करते हैं, सब करते हैं, इसका मतलब तू मतलब के लिए कर रहा है। कोई भी प्रेयर सैटरडेज अगर आप करते हैं, चाहे आप कुछ चालीसा पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप श्रीमद् गीता पढ़ रहे हैं, तो आप निस्वार्थ होकर पढ़ें। उसके पीछे कोई आपके स्वार्थ नहीं होने चाहिए। माता पिता की अगर सेवा करते हैं आप, नहीं करते तो ज़रूर करें, अगर करते हैं तो निस्वार्थ भावना से करें, फिर देखें क्या चमत्कार होते हैं। एक येलो सफ़ायर अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालें सैटरडेज, एक रूबी राइट हैंड की आप रिंग फिंगर में डालें। अल्लाह ताला भगवान, शिव कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, वाहेगुरु आपको सब ब्लेस्ड करेंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। 24 जून से 30 जून का जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए चैलेंजिंग है। स्पाउस के साथ तूतू मैम है, सेपरेशन है, स्पाउस के साथ लफड़ा है, लव अफेयर है तो ब्रेकअप है। ये टाइम आपको मेंटल स्ट्रेस देगा इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, बट प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। सम स्मॉल गेन्स आर देयर और सम न्यू पार्टनर्स इन एंटरिंग योर लाइफ, और यू मे गेट सम बिग बिजनेस, और यू मे गेट बिग ऑर्डर फ्रॉम मार्केट। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस।
This is the ultimate time in the terms of your professional life. If you're willing to invest your money in stock market, you may invest on Monday, Tuesday, and your returns will be ultimate in near future. Wednesday, Thursday, you may plan some short distance journey related to your professional life, which will prove very beneficial for you, and you will meet a lot of money through journeys. You will get good support from your father and mother. You will get wonderful advice from your well-wishers and friends. Your colleagues will support you. Your seniors will appreciate your performance. Wednesday, Thursday is the biggest game changer time for you, Capricorn. You will feel relaxed, better in comforts. Things will be performed beyond your expectations. You will earn money beyond your expectations from your old investments. Friday, Saturday, there's a strong chance you may buy some ticket for foreign travels. Or if you are apply PR, you will get PR. If you apply any type of tourist visa or work visa, you will definitely get tourist visa or work visa on Friday, Saturday. There's a strong chance of settlement in foreign land. Those people who are willing to settle in foreign land on Friday, Saturday is a very positive and good time for you. This is a time when your good fortune is in your favor and your pending work will click. You need to be careful while talking with your parents on Friday, Saturday. Try to use good words and be humble and polite. Overall, this week is the biggest game changer in the terms of your professional life, in the terms of your earnings. Your wish will be fulfilled and you will enjoy multiple sources of earning. Remedy number one for Capricorn Ascendants: read Goddess Kali Chalisa every night, 3 times, 5 times, 7 times minimum, from Monday to Sunday. Must visit Goddess Kali temple and offer some Moti Chur ke Laddu. Things will be performed wonderfully. And keep in touch with your family, parents. Try to give respect to your parents. The more you give respect to your parents, the more you get wonderful result from your good fortune. So overall, this is a very powerful week for you. And you should take advantage of this promising week. Capricorn, wish you all the best. So let's talk about Aquarius Ascendants Kumbh Lagan, 24th June to 30th June ka jo time hai. कि मंडे ट्यूसडे स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से आपको गेन होगा. मंडे ट्यूसडे बिजनेस से आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी. रुका हुआ पैसा था वो मिला है. अचानक से एक स्ट्रेस जो बना हुआ था दिमाग से वो रिलीफ होगा. पैसे से संबंधित, कामकाज से संबंधित थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली. मंडे ट्यूसडे आपका जो हार्ड टाइम है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है. कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको मार्केट से मिलेगा या कुछ फॉरन ट्रांजेक्शन्स आपकी हो सकती हैं या बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी हो सकती हैं. हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. फादर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, उस पर पैसा लग सकता है. लेकिन पैसे की आवक मंडे ट्यूजडे को बहुत अच्छी है. वेनसडे थर्सडे जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ता आ सकता है, लेकिन खर्चा वेनसडे थर्सडे को स्काई हाई है. इस समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे. मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी. हार्ड टाइम आपका रहेगा. स्ट्रेस एंग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ेगा. थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन, एनी एंग्जाइटी. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन. यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. बी हम्बल एंड बी पोलाइट. अपने फादर की हेल्थ का मैनेजर थर्सडे को ध्यान रखें. कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें. किसी के फड्डे में टांग ना डालें. किसी जिम्मेवारी में ना फंसे. फ्राइडे सैटरडे को कोई लीगल मैटर आपको परेशान करेगा. काफ़ी पैसा खर्च होगा बीमारी ठमारी या लीगल मैटर पे. फ्राइडे सैटरडे को उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए. बहुत हार्ड टाइम है, टफ टाइम है. खर्चों की लगाम दें. अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें. मेडिकल हेल्प पे पैसा लगेगा. ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल हैसल्स और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा जिसमें यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेटिंग रिजल्ट्स. सो बी केयरफुल एंड अलर्ट. दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव टाइम. स्पेशली फ्राइडे सैटरडे इज अ चैलेंजिंग पीरियड फॉर यू. रेमेडी नंबर वन फॉर Aquarius Ascendants: मस्ट रीड गॉडेस काली चलीसा एवरी नाइट, 3 times, 5 times or 7 times मिनिमम. मस्ट विजिट गॉडेस काली टेम्पल ऑन वेनसडे एंड सैटरडे नाइट एंड ऑफर मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू. मिनिमम क्वान्टिटी यू नो 1.25 kilo. रेमेडी नंबर थ्री फॉर Aquarius Ascendants: आपके लिए 800 gram पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाएं. सैटरडे वाले दिन सुबह दबाएं और सैटरडे वाले दिन क्रीमेशन ग्राउंड में जाके चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालकर आएं. भगवान शिव की प्रतिमा के आगे नतमस्तक हों, वो उसके बाद बाहर आ जाएंगे. अब
बात करते हैं पाइसेस सेंडर्स की, मील लगेंगी 24 जून से 30 जून की, ये प्रेडिक्शन है। मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके फादर के साथ रिश्ते खराब हैं, जिद्दी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, स्टबर्न नेचर रहेगी, लिक्विड प्रोफाइल आपके बढ़ जाएंगे, आपको यूरिक एसिड यूरिया और आपको अपने लिक्विड प्रोफाइल की ओर आपने ध्यान देना है। और ये टाइम हार्ट से संबंधित कोई छोटी मोटी ट्रबल रह सकती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, फोबिया में चलेंगे मंडे ट्यूसडे को, कुछ नहीं भी हो रहा तो भी डर लगा हुआ है, लेन देन के मसले राइज हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रही है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेटिंग रिजल्ट, दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट वेरी पॉजिटिव टाइम। पाइसिस मंडे ट्यूसडे को कोई कमिटमेंट ना करें, कोई झूठ ना बोलें, कोई ठगी ना करें, किसी का पैसा देना है हाथ जोड़ के दें, नहीं है तो कोई टाइम मांगे हाथ जोड़ के, पोलाइट होके चलना है, हम्बल होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है, गलती की है तो उस गलती को मानना है। लगन से 12th हाउस में शनि है, आप नहीं मानोगे तो शनिदेव मनवाएंगे, और अगर वो अपनी मनवाने पर आ गए तो आपके ऐसी की तैसी आपकी फिरेगी। सो ओवरऑल आई डोंट वॉन्ट टू शेयर अ नेगेटिव प्रेडिक्शन विद यू, I don't want to share a negative talks with you, but you need to loyal and honest in the terms of your business, in the terms of your personal life. Wednesday, Thursday, कुछ small gains हैं, things will be performed wonderfully, but unexpected expenditures ने आपको घेरा हुआ, legal matters, court कचहरी, health issues, hospitalization, इन चीज़ों में पैसा बड़ा खर्च हो रहा है, लेन देन वहीं के वहीं रुके हुए हैं, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन है जॉब में, सीनियर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं काम की, आप काम लाने में सक्षम इस समय नहीं हो, परफॉर्म करते हो लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वेडनेसडे थर्सडे को फोकस ना हिलने दें। ये टाइम खास करके बिजनेस मैन के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। पाइसिस सेंडर्स अगर आपका है तो ये टाइम क्रूशियल रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, मेंटली हराश टाइम रहेगा और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स का सामना या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना, सॉरी टू से क्रिटिसिज्म का सामना वेडनेसडे थर्सडे को आपको अपने अपनों से, फैमिली से या आपके सीनियर्स से करना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, खर्चे का लेवल बहुत बड़ा है, फिर से लीगल मैटर कोर्ट कचहरी आप लफड़े परेशान कर रहे हैं। अगर कुछ प्लस पॉइंट है फ्राइडे सैटरडे को तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी और फॉरेन फ्रेंड्स विल सपोर्ट यू और यू मे प्लान टू सेटल इन फॉरेन लैंड और इफ़ यू आर ऑलरेडी अप्लाई PR you may get good news on Friday, Saturday related to your PR or related to your any type of foreign visa. वो Friday, Saturday को क्लिक हो जाएगा जो पॉजिटिविटी है, या foreign import export करते हैं तो कुछ foreign transactions आपको happy करेंगी, लेकिन trust आपने Friday, Saturday को किसी पर नहीं करना, किसी पर trust करके पैसा उधारी नहीं देना, things are not performing well, this is a challenging week for you, और positive होके चले, सुबह उठ के meditation ज़रूर करें, remedy number 1 है meditation करनी है, remedy number 2 है विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाना है मंडे टू संडे होल वीक, remedy number 3 मीठे पीले चावल थर्सडे वाले दिन बनाकर आपने विष्णु भगवान को भोग लगा के गरीब लोगों में बांटने हैं, remedy number 4 आपके लिए थर्सडे वाले दिन ही आपने हैंडीकैप लोगों को चैरिटी करनी है, हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में कुछ डोनेशन देकर आए, remedy number 5 आपके लिए पिता के चरण स्पर्श करें, पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड या कोई उनका गोल्ड का रिंग राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालें, अगर अफोर्ड करते हैं तो येलो सफ़ायर ज़रूर डालें, अदरवाइज गोल्ड का छल्ला ही अपने पिताजी का राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डाल लें या उनकी चेन गले में डाल लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनकी कदर करें, उनकी बातचीत सुन के कोई भी डिसीजन बिजनेस के लें। सो स्टे कूल मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।